क्राइम की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, इस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सतर्क होती जा रही है और जगह जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिलाओं की सुरक्षाओं के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरे पुलिस विभाग की नाक शर्म से नीचे हो जाती है। आपको बता दें, जब रक्षक ही बच्चक बनने लग जाए तो आम जनमानस में क्या संदेश जाएगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, कन्नौज जिले के एक कस्बे में रहने वाली महिला के साथ शराबी सिपाही ने घर में घुसकर छेड़छाड़ कर दी। महिला ने विरोध किया तो उसने पिटाई कर दी। महिला को बचाने के लिए मोहल्ले के लोग पहुंचे तो सिपाही भागने लगा, चबूतरे से गिरकर वह घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी ने जांच कराई, जिसमें सिपाही की करतूतों की पुष्टि हो गई। एसपी ने पुलिस सेवा से सिपाही को बर्खास्त कर दिया है। घटना तालीग्राम कस्बे की है। यहां एक मोहल्ले की रहने वाली महिला का पति दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि महिला अपने दो बच्चों के साथ कस्बे में रह रही है। आरोप है कि बीती रात डायल 112 में तैनात सिपाही उमेश चंद्र मोहल्ले के ही एक युवक के साथ उसके घर आ गया, छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने विरोध किया तो सिपाही ने पिटाई कर दी, जिस कारण महिला का मंगल सूत्र टूट गया। सुनकर मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए, उन्होंने सिपाही की पिटाई कर दी। भागने के प्रयास में सिपाही चबूतरे से गिरकर घायल हो गया। आरोप है कि सिपाही ने शिकायत करने पर महिला के पति को दुष्कर्म और हत्या के केस में फंसाने की धमकी दे डाली। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने तालीग्राम थानाध्यक्ष शशिकांत कनौजिया से शिकायत की। मामला सुर्खियों में आने के बाद एसपी ने जाँच कराई तो सिपाही पर लगे आरोपों की पुष्टि हो गई। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि सिपाही पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं, ऐसे में उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।